हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो का पर्पस है कि अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कितनी आसानी से और कहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या कैसा प्रोसेस होता है, आप कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं या कैसे आप ऑटो पे लगाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने अभी तक कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो आपके लिए वीडियो है। इसमें हम बहुत आसान तरीके से और एक लाइव एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कैसे आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके उसमें कैसे आप पूरी प्रोसेस करते हैं और कैसे आप अपने SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो सेम ही प्रोसेस रहता है, पर आप लमसम वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, और वो आप कोई भी किसी भी ऐप से जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पर अपस्टॉक ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर अपना अपस्टॉक ओपन कर लिया हुआ है। तो आपको अगर आपका अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट नहीं बना हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो सिंपली आप वहाँ पर वन क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर फिल करने पड़ेंगे और आप अपना एक डीमैट अकाउंट वहाँ पर ओपन कर लेंगे। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप वन क्लिक करके आप वो वीडियो को देख के आप अपना यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर जैसे ही आप डीमैट अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपका एमपिन मांग के आपका ऐसे ओपन होके आ जाता है, ठीक। जहाँ पर आपका क्या है, आपका अपस्टॉक में दो मोड होते हैं, एक होता है अपस्टॉक और एक होता है अपस्टॉक फॉर ट्रेडर और एक होता है अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर पे आपको यहाँ पर जंप कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर दिया, अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर पे यहाँ पर जंप कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे की तरफ आपको पांच ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। पांच ऑप्शन में से आपको जो सेंटर वाला ऑप्शन है आपका म्यूचुअल फंड, इस पर सिलेक्ट कर देना है। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख पाएंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल म्यूचुअल फंड पे देखने को मिला, तो जिसमें है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज और मिड कैप, ठीक है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, यहाँ पर आपको सारे जितने भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपके हैं वो सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया हुआ है वो आपके चॉइस हो सकती है, ठीक। अगर आप और देखना चाहते हैं कि लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड कौन सा हो अच्छा है या स्मॉल कैप में या मिड कैप में, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप सिंपली उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके उनको चेक कर सकते हैं, ठीक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं फ्लेक्सी कैप फंड को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर SCFC फ्लेक्सी कैप फंड को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने SCFC फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर इसके इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका AMU कितना है, ठीक है, NAV कितना है, लॉक इन पीरियड क्या है, SIP कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए, ठीक। इस वीडियो का सिर्फ पर्पस है कि कैसे आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं उसी पे बात करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, प्लीज़ गो एंड चेक इट, ठीक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इसका क्या कहते हैं यहाँ पर इस फंड ने मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर मिनिमम SIP में 300 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी दिया हुआ है, AMU बेंचमार्क, ठीक, मंथली SIP क्या है, आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, टैक्स एग्जिट लोड, यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ नीचे जाता हूँ। नीचे की तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर SIP वन टाइम, AMU सब दिया हुआ है। उसके बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम का मतलब होता है कि आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इंटर योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो यहाँ से अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप सिंपली SIP वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप SIP पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इंटर अमाउंट टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे यहाँ पर मिनिमम 300 रुपये से कर सकते हैं, तो यहाँ पर 300 रुपये सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे क्या है ये, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो यहाँ टुडे लिखा हुआ है। उसके बाद SIP शेड्यूल मंथली, तो ये क्या है, मंथली SIP है मेरी, ठीक। इसमें मैं नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को मैं यहाँ पर पैसे डिडक्ट करना चाहता हूँ, ठीक।
तो यहाँ पर फिर कन्फर्म में क्लिक कर देता हूँ। मैंने एक तारीख सेलेक्ट की है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कन्फर्म परचेज बाई वन इंस्टॉलमेंट सेट SIP सेट ऑटो पे फॉर दिस SIP। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ऑटो पे करना पड़ेगा। ऑटो पे क्यों करना पड़ता है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट है, ठीक, आपके SIP यहाँ पर आ रहा है कि अब आपको ध्यान नहीं है कि आपका SIP पे करना है कि नहीं करना है, तो आपके लिए हैप्टिक हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को याद रखना। तो ये आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ऑटो पे लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से SIP आपकी पे होती रहती है, ठीक। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कन्फर्म टू बाई पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने कन्फर्म टू ऑटो पे पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पर फोन पे पे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। मैं यहाँ पर अपना पिन लगा के फोन पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने फ़ोन पे ओपन किया तो मुझे ऐसे ओपन होके आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन क्लीनिंग कॉर्पोरेशन 300 रुपये, और यहाँ पर मुझको मेरे बैंक अकाउंट से पे करने के लिए कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। आपका जो भी अकाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पे पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपना UPI पिन है वो डाल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना UPI पिन डाल दिया, उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक, और मैं डायरेक्ट फिर से अपने ऐप स्टॉक में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑथेंटिकेशन, मेरा जीमेल आईडी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पर मेरा लॉगिन विद गूगल। तो यहाँ पर स्टेप अप ऑटो पे मेरा हो गया है। सेंड कोड टू ईमेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक। सिक्योरिटी कोड मेरा मेरे ईमेल आईडी पे आया होगा, ठीक। तो आपको ईमेल आईडी जो भी आपने यहाँ पर डाला हुआ था उस पर आपका कोड आया होगा, तो उसको आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे कि मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना जो भी OTP आया था मैंने उसको डाल दिया। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं पर्पस म्यूचुअल फंड, ठीक, यहाँ पर क्रिएट मैंडेट, यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, डेबिट कार्ड कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी, और यहाँ क्या देख रहे हैं, सक्सेस, मेरा ये स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन डन, प्लीज़ कंटिन्यू टू कम्प्लीट द ट्रांजेक्शन। तो मैं क्लिक हेयर पे कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एग्री कर देता हूँ और यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ई मैंडेट मेरा यहाँ पर हो गया है, ये सारी डिटेल्स हैं, तो आप यहाँ पर ई मैंडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, आपको फिर से अपने बैंक उसमें चले जाना है। जैसे मैं यहाँ कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर बैक हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने HDFC बैंक फ्लेक्सी कैश फंड में किया था, तो यहाँ पर मेरा SIP क्या दिख रहा है, एक्टिव दिखा रहा है, और मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 2 दिसंबर 2024 को यहाँ पर पे कर दिया, और मैंने ऑटो मैंडेट लगा दिया है, ठीक। पर अभी यहाँ देखेंगे तो व्यू ऑटो SIP पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहले मेरा रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑटो मैंडेट लगा दिया हुआ है। अभी ऑटोमेटिक एक दो दिन में कम्प्लीट हो जाएगा और आपका SIP है वो ऑटोमेटिक आपके ऑटो पे यहाँ पर होने लगेगा, ठीक। इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं, तो आप इसका वेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो SIP वो ऑटोमेटिक पे होने लगा है, ठीक। तो जैसे कि आज हमने देखा, आज हमने बात की कि कैसे आप किसी भी SIP करना चाहते हैं तो कितनी आसानी से कर सकते हैं। फंड सेलेक्ट करके आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ऑटो पे लगा के आप यहाँ पर अपना SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड में जो भी SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग और शेयर मार्केट से रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमारा बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।